बर्बाद हो गया मैडम, बर्बाद हो गया मैडम, हमारी मदद करिए मैडम। सब कुछ ले गया वो चोर, सब कुछ ले गया हमसे छीन के मैडम, हमारी मदद करो। अच्छा अच्छा, आप शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग केस की तफ्तीश जारी रखिए, आप बाल ठीक करिए। हाँ जी मैडम सर। आप चलिए अंदर केबिन में। मैडम हमारा नाम प्रवीण है, हम पीछे से एक डॉक्टर है। कल हमारे पास एक पेशेंट आया, हमको ये देकर गया। और मैडम हमको कहने लगा कि ये नागमणी है, इसको आधी रात में पूरे चांद की रोशनी में रखोगे तो इससे नागिन बाहर निकलेगी और तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। हम पूरी रात इसको हाथ में लेकर बैठे रहे और सोचे कि अभी नागिन निकलेगी हमारी इच्छा पूरी करेगी, अभी नागिन निकलेगी हमारी इच्छा पूरी। पूरी रात निकल गई मैडम, ना नागिन निकली ना हमारी इच्छा पूरी हुई। हमारा टोपा होगा? नहीं मैडम, हम तो डॉक्टर हैं। हाँ डॉक्टर हो तो पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे हो तो इतना नहीं पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो एक मिनट के लिए मान भी लिया कि ऐसा कुछ टोपागिरी होता भी है, तो जब नागमनी से नागिन निकल के बाहर आएगी तो तुम उसको अपना इच्छा बताओगे या फिर अंतिम इच्छा बताओगे? क्योंकि वो बाहर आती तो तुमको डस लेंगे। मैडम हम क्या बताएं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब वो आदमी जो हमको ये कांच का टुकड़ा बेच कर गया ना, इतना स्मार्ट हैंडसम और स्मार्ट टाकर था ना कि हम कब उसके जाल में फंस गए हमको समझ ही नहीं आया। हमारे जैसा ईमानदार पढ़ा लिखा हैंडसम लड़का जब उसके झांसे में आ गया तो समझिए कितना शातिर आदमी होगा वो। मैडम कुछ करिए, हमने बहुत ईमानदारी से पैसा इकट्ठा किया था कि हॉस्पिटल खोलेंगे गरीबों के लिए, लेकिन सारा पैसा लेके चला गया वो। अच्छा आप प्लीज शांत हो जाइए। एक बात बताइए, ये जो आदमी था क्या उसने लेफ्ट हाथ में कोई अंगूठी पहन रखी थी जिस पर शेर का चेहरा बना हो, जिसे वो इस तरह से घुमा रहा हो? हाँ मैडम, वो बात करते करते ना अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे ऐसे घुमा रहा था वो। घबराइए मत, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, ये हमारा वादा है। वैसे तो छोटे बड़े मिलाकर बहुत से मामले इस ठग के खिलाफ हमारे सामने आए, लेकिन फिलहाल एनालाइज करने के लिए हम तीन अहम किस्से डिस्कस करेंगे, संजय शर्मा, जॉन और डॉक्टर प्रवीण कुमार। संजय शर्मा को गवर्नमेंट की जमीन बेची गई, जॉन को हिस्टोरिकल चीजें बेची गई, लेकिन डॉक्टर प्रवीण को नागमणि जैसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर फंसाया गया। ये आदमी अलग है, होशियार है, ये ना ही सिर्फ नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट है बल्कि शब्द जाल का भी जादूगर है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर जब हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेन है तो फिर हम पकड़ काहे नहीं रहे हैं, हम जन्म कुंडली काहे निकाल रहे हैं? कोई आइडिया है आपके पास? जी बिल्कुल है मैडम सर। आइडिया ये है कि पहले हमारे पास सिर्फ नकली कागज थे, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब हमारी आंखों के सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट है। किसी ने तो इस कांच के टुकड़े को तराश कर असली दिखने वाले नकली नागमनी का रूप दिया होगा। अपने नेटवर्क को थोड़ा एक्टिव करते हैं, पता लगाते हैं ये कौन है, दबोच के लाते हैं उसको थाने में। केस क्लोज्ड। और आपको क्या लगता है कि इन सारे आइडियाज के बारे में हमने नहीं सोचा होगा? हमें तो भूल ही जाइए, उस मास्टरमाइंड क्रिमिनल ने नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं? ये आदमी आपकी हमारी दोनों की सोच से कई गुना ज्यादा चालाक और होशियार है। हम उसे किस तरह से किस रूट से पकड़ने की कोशिश करेंगे ये वो पहले से सोच कर बैठा है। मगर मैडम सर कुछ तो करना पड़ेगा ना। पुष्पा जी हमें पहले उसके दिमाग के अंदर घुस के ये समझना होगा कि वो सोचता कैसे है, किस तरह से प्लानिंग करता है, किस तरह से अपने शिकार चुनता है और फिर कैसे उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। एक मिनट मैडम सर, मतलब पहले सोचो फिर जांचो फिर परखो फिर निकलो, इतना पेशेंस आप में ही हो सकता है मैडम सर, किसी अपराधी में नहीं। वो इतने में आधे शहर को लूटकर फ्लाइट पकड़कर कहीं और पहुंच जाएगा। अगर अपने शिकार को दबोचना है ना तो उसका सही समय होगा अभी इसी वक्त, इसलिए हम तो जा रहे हैं उसको दबोचने, थाने लाएंगे घसीट कर, तब तक आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। अरे आप यहाँ? जी मैं यहाँ, बस यहाँ पास में दिवाली की मिठाई देने गया था तो सोचा शहर के नंबर वन थाने के सभी स्टाफ का मुंह मीठा कराता चलो, दिवाली की बधाई देता चलो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, उम्मीद करता हूँ मैं गलत वक्त पर नहीं आया हूँ। नहीं नहीं, अच्छा लगा आप आए। हाँ बहुत सही समय पे आए हैं आप, लेकिन फिलहाल किसी और का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। काफी खराब मूड में गई है, सब ठीक है ना? नहीं नहीं सब ठीक है, वो है ही ऐसी। काफी सीरियस डिस्कशन चल रहा था राइट? आपको कैसे पता? पुलिस वालों ने ड्यूटी के काबिल भले ही ना समझा हो, ट्रेनिंग पूरी शिद्दत से की है, इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूं कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। ये मिस्टर आनंद है, अम्मी ने भेजा है।
नहीं, आपने बुलाया है। 2010 के पुलिस एग्जाम में इन्होंने टॉप किया था, कुछ एक छोटे से आई साइट इशू की वजह से ये ऑफिसर नहीं बन पाए, लेकिन आप इन्हें बिना वर्दी का पुलिस वाले ही समझ लीजिए। राइट राइट, लीजिए दिवाली की मिठाई टेस्ट कीजिए। नहीं नहीं शुक्रिया। अरे दिवाली की मिठाई है, रिश्वत थोड़ी है। लीजिए लीजिए। आज आप अपनी रिंग पहनना भूल गए शायद। वो दिवाली है ना, तो पॉलिश करने के लिए दी है। अच्छा, काफी काम रहते हैं सब दीपावली पे। लीजिए लीजिए। तो इजाजत दीजिए मुझे। जी शुक्रिया। करिश्मा सिंह, ये सब क्या हो रहा है? जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, आपको क्या लगता है ये हड़िप्पा हड़िप्पा खेल रहे हैं? नहीं, करिश्मा मैडम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कल रात को ही इन ठगों को उठाया, अंदर कर दिया है। अब जब तक वो अपना बड़ा वाला ठग इसका पता नहीं बताएंगे ना, तब तक ये ऐसे ही टेक ऑफ पोजिशन में रहेंगे। बेशक इनका खुद का टेक ऑफ क्यों ना हो जाए। इन्वेस्टिगेशन का रूल नंबर 2, जिसका पैर जमीन को टच हुआ उसका बगल वाला उस पर टैक्सी थप्पड़ लगाएगा। और मुझे देखो, मैंने बस इतना बोला कि ये सब मेरे बिल्डिंग निवास में रहेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा, तो मेरे हाथ में ये पंखा थमा दिया। आई हेट काइंड ऑफ दिस इंसल्ट। मैडम सर, आप देख ही सकती हैं कि हम इनको बहुत टाइम से यहाँ पे ला के रखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़े, हम इनको टच तक नहीं किए। हाँ, लेकिन हमें ये पता तो चले कि ये लोग हैं कौन। मैडम सर, ये है शहर के नामचीन ठग। बहुत सारी ठगियों को अंजाम दिया इन लोगों ने। ये सबसे पहले वाले घर घर जाकर अकेली हाउसवाइफ को टारगेट करते हैं, उनके सोने की चैन, अंगूठी, कानों की बालियां, सबको पॉलिश का नाम चिपका कर नकली ज्वेलरी से एक्सचेंज करके फिर फरार हो जाते हैं। ये दूसरे वाले भाई साहब अपनी नकली ज्वेलरी को असली बताकर लोगों को बेचते हैं और फिर फरार हो जाते हैं ये भी। और ये तीसरे वाले भाई साहब रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग टिकट वाले यात्री होते हैं उनको कंफर्म टिकट का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठते हैं और फिर ये भी फरार हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े ये लोग ठग करते हैं तो ये हमारे वाले ठग को नहीं जानते होंगे। पर जिस ठग की मैडम बात कर रही हैं वो बहुत होशियार है, उसका नाम भी हम लोग सुने हैं, लेकिन मैडम हमें पता नहीं है उसके बारे में। ये ठीक कह रहा है मैडम, अगर हमें उसके बारे में पता होता तो हम उसे अपना गुरु बनाकर करामती गुण सीख लेते मैडम। करिश्मा सिंह रुकिए। मैडम सर ये रुकिए, आप आइए हमारे केबिन में आइए। बिल्लू, पुष्पा जी, चीता और संतोष को कहिए कि हमारे केबिन में आए। थैंक यू मैडम सर। जल्दी, हमने इस नकली नागमणि को लैब भेजा था ये पता लगाने के लिए कि इस तरह के कांच के टुकड़े कहां, क्यों और किस कारण बनाए जाते हैं। कांच का टुकड़ा? जी, ये कांच का टुकड़ा ही है। शादी में, इवेंट्स में, झूमर पर लगाने में, डेकोरेशन में काम आता है। लखनऊ के हर गली मोहल्ले में करीबन 500 रुपए में मिल जाता है। बार्गेनिंग करेंगे तो 225 में भी मिल जाएगा। नहीं मतलब अब हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके ये पता करें कि ये कांच का टुकड़ा किस झूमर में लगा था, इस झूमर का मालिक कौन है, ये झूमर की शादी में लगा था, शादी में से किसने इस झूमर को वहां से निकाला था। इतने में अपराधी वर्ल्ड टूर कर वापस आ जाएगा और हम झूमर झूमर खेलते रह जाएंगे। कभी तो हमारी बात शांति से सुन लिया कीजिए करिश्मा सिंह। अगर ऐसा कुछ करने की नौबत आएगी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिलहाल हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये नकली नागमणि वो फ्रॉड खुद लेकर आया है या फिर उसने किसी की मदद से अरेंज करवाया है।
इसका मतलब डीएसपी सर सही कह रहे थे कि हमें ये केस छोड़ देना चाहिए, ये केस हमारे बस का ही नहीं है। या फिर आप सस्पेंशन के डर से इस केस से पीछे हट रही हैं। लेकिन हमारा ऑफर अभी भी खुला हुआ है मैडम सर, और वो ये है कि आप इस केस का जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। अच्छा बुरा सही गलत सब हमारा जिम्मेदारी होगा। करिश्मा सिंह, ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि पीछे हटने वालों में से ना आप हैं ना हम। जिद पर आ जाएं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, हमारे काम करने के तरीके जरूर अलग अलग हैं, लेकिन एक बार पीछे पड़ जाएं तो मुजरिम को जहन्नम तक नहीं छोड़ते, फिर ये तो हमारी जद में है। इसलिए घबराइए मत, माना कि ये मुजरिम थोड़ा सा चालाक है, इसलिए हम सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। एक रास्ता है इस कॉनमैन तक पहुंचने का। हम उस ठग के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि वो अपने लेफ्ट हाथ की उंगली में अंगूठी पहनता है और उसे बार बार इस तरह से उसे घुमाने की आदत है। हो सकता है कि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो। एंजाइटी मतलब तो बेचैनी। हाँ संतु जी, वही जो हमको होता है आपके बिना। उसे पागलपन कहते हैं चीते। अगर इस आदमी को रोजाना एंजाइटी के इश्यूज होते होंगे तो हो सकता है वो इसकी दवाई के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हो। हमारे एरिया में इस तरह के स्पेशलिस्ट कितने होंगे, 150? पर जरूरी तो नहीं है ना मैडम सर कि वो किसी डॉक्टर के पास ही जाता हो। बिल्कुल सही, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं भी जाता हो तब भी मेडिकल स्टोर तो जाता होगा दवाई लेने के लिए, और ये दवाइयाँ बहुत चुनिंदा मेडिकल स्टोर में मिलती है जहाँ पर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। इसका मतलब वो फेक प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है इन दवाइयों को खरीदने के लिए, और अगर वो ऐसा करता है फिर तो उसे पकड़ना और भी आसान होना चाहिए। तो अब क्या करना होगा मैडम सर? सबसे पहले हमें उन चुनिंदा मेडिकल स्टोर्स पर जाना चाहिए जहाँ पर इस तरह की खास दवाइयाँ मिलती हैं। वहाँ जाइए, पता लगाइए कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो इस तरह की दवाई खरीदते हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से, स्टोर्स के ओनर्स के डिस्क्रिप्शन की मदद से देखिए कि हम किस पर शक कर सकते हैं। जब भी कोई टारगेट जैसा लगे तुरंत उसके पास पहुँच जाइए। क्लियर? तो पकड़ कर लाते हैं इस ठग को कानून की जद में। क्लियर? Let's get to work. Yes, madam. Utro. इतना भी क्या जल्दी था मैडम, थोड़ा आराम से तो आ ही सकते थे हम लोग। बाल ठीक करो, वो पेपर दो। भाई साहब, ये मेडिसिन मिलेगा आपके पास? जी मिलेगी। ये वही मेडिसिन है, वो एंजाइटी के लिए जो मेडिसिन होता है, वही है ना ये? जी हाँ, वही है। कितना लोग आते होंगे आपके पास ये वाला मेडिसिन लेने के लिए? बहुत कम लोग आते हैं मैडम, लेकिन यही आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह की मेडिसिन आसपास कोई और नहीं रखता, सिर्फ हम ही रखते हैं। बहुत बढ़िया, अब जैसा हम कहेंगे ना आप बिल्कुल वैसी कीजिएगा। संतु? हाँ। यहाँ यहाँ पीछे। हाँ बोला आपने? हाँ बोल दिया उसे। क्या बोला? यही कि अगर कोई ऐसी दवाई लेने के लिए आए तो तुरंत इशारा करे। किसको? हमको। ओहो। क्या ओहो? पुष्पा जी, मेडिकल वाला आपको इशारा करेगा ऐसे? कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा, अच्छा लगेगा ऐसे मेडिकल वाला आपको इशारा कर रहा? पुष्पा जी चुप करो, जड़बुद्धि कुछ भी सोचती रहती हो तुम। जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ, पता नहीं यहाँ कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। जाओ जाओ। ओके। मार मार मार। सॉरी मैडम। संतु आया? क्या? वो मेडिकल वाले का कोई मैसेज आया, ये पूछ रहे हैं हम। नहीं अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया, अब क्या करें? चलो भैया एक और दे दो। अरे 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 भाई साहब, कहाँ चले? मैडम स्टोर तो बंद हो गया है। बंद हो गया? ऐसे कैसे बंद हो गया? ऐसे कैसे मतलब, रोज बंद करता हूँ। नहीं नहीं हम ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, मतलब आपको तो हमने बोला था ना कि आप हमें मैसेज करो, आपको नंबर भी तो दिया था। मैसेज आया संतु? नहीं। बताइए। मैडम घर जाने का टाइम हो गया, वैसे भी आज तो वैसा आदमी कोई आया नहीं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। मैडम कल देखते हैं, मैं चलता हूँ।
अब चलो अब हम भी निकलते हैं। जैन मैडम सर, करिश्मा सिंह, बताइए क्या अपडेट है? मैडम सर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं फोन करके। ये दवाई देना जल्दी। जल्दी करो। हाँ लाता हूँ। सुन पैसा लिए? नहीं। जा मैडम। जी एक आदमी आया है, सेम मेडिसिन। हाँ क्या हुआ? दो मिनट। हाँ क्या है कि आपकी वाली दवाई ऊपर रखी है, लड़का उतार रहा है। जल्दी उतरवा। लाया। ए छोटू सुन, ए पुलिस वालों से पैसे नहीं लेता क्या? नहीं। क्यों नहीं लेता? बड़ा होकर मैं भी पुलिस वाला बनूंगा ना, इसलिए। बड़ा होके तू भी पुलिस वाला बनेगा इसलिए। थैंक यू। वो किस लिए? तुम नहीं समझोगे, ये बाल बना के रखा था क्या? डॉक्टर गोपाल। रॉन्ग नंबर, पीसीओ है जी। ये गलत है, कौन आदमी है बाहर? बाहर अब आओ बेटा, बेटा इधर आना, एक बार जल्दी आओ। तुमने किसी को देखा यहाँ से जाते हुए? कोई यहाँ पे था? वो उधर उधर। अब आओ टॉप आदमी। मैडम मैडम, अरे भाई मैडम कहाँ गई? मैडम इस तरफ गई। नहीं मैडम सर, वो मेडिकल स्टोर वाला ठक्का चेहरा नहीं देख पाया, उसने मास्क लगाया हुआ था और वो कोई पुराना कस्टमर नहीं था, वो नया था, पहली बार वहां आया था। इसका मतलब हमें और भी होशियार होना होगा। ये जो कोई भी, ये जान चुका है कि पुलिस इसके पीछे पड़ी है, ये और भी चौकन्ना हो चुका है। हो सकता है कि वो शहर से भागने की प्लानिंग कर रहा हो। एवरीबॉडी बी ऑन हाई अलर्ट, हम कोई गलती नहीं कर सकते। क्लियर? यस यस मैडम। हो गई गलती हसीना मलिक, मैंने ही अंडर एस्टिमेट किया तुम्हें। मैं जानता था तुम बहुत बहुत शार्प ऑफिसर हो, लेकिन इतनी तेज निकलोगी ये नहीं सोचा था। मतलब मेरी इतनी छोटी सी एंजाइटी प्रॉब्लम से तुम मेरे इतने नजदीक आ गई। मजा आएगा तुम्हें और उन सबको जो तुम्हारे साथ साथ मेरे पीछे पीछे मेरे इतने करीब आ गए। अब इतनी बड़ी गलती की है तुमने जिंदगी की, उसका हर्जाना तो देना पड़ेगा। इस होशियारी की कीमत चुकानी होगी, अब वो होगा हसीना मलिक जो तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। सब खत्म हो गया, अब हमको लगता है कि हमारा हॉस्पिटल बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारा भी आखिरी मौका था, मार्केट से पैसे उठा के उस ठग को दिए थे। सोचा था कि लॉकडाउन के बाद अपने मरते हुए बिजनेस को बचा पाऊंगा, लेकिन सब खत्म हो गया। अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। क्या नहीं बचा? रास्ता। कोई रास्ता नहीं बचा। अमर टोपा होगा तुम, अगर मरना ही सोल्यूशन होता तो आधी दुनिया ना खत्म हो जाती। तुम तो निकल लोगे, पीछे से तुम्हारी फैमिली का क्या, जिनको तुम जीते जी मार जाओगे? थोड़ा सा लाइफ में झिझोड़ाने की बस हिल गई। देखिए हम जानते हैं कि इस अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल है,
रास्ता मुश्किल है और ये अपराधी बहुत चालाक। सच बताए तो हम ये भी नहीं जानते कि अब आगे करना क्या है, लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं, जब तक हमारे शरीर पर ये वर्दी है तब तक हम जुर्म के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक ये थाना है यहाँ रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। घबराइए मत, इतनी जल्दी हम हार नहीं मानेंगे। भरोसा रखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैडम सर, अब आगे क्या करेंगे? फिलहाल पता नहीं। अच्छी जगह है, यहाँ पर तो सब कुछ हो जाएगा और वो भी बहुत ही आराम से, है ना? जी जी, आप कौन? साइड में बैठो। यहाँ पर होगा हमारा बड़ा सा आलीशान हॉल और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर हम रखेंगे अपना किचन और राइट साइड पर यहाँ नॉर्थ में ना दरवाजा होना चाहिए क्योंकि नॉर्थ में दरवाजा होना शुभ होता है। हाँ। और अब बच्चों के बेडरूम का क्या कर रहे हैं? बच्चों के बेडरूम का क्या कर रहे हैं? एक आइडिया है, हाँ वहाँ पर करते हैं लिट्टू का बेडरूम, वहाँ उसके बगल में टिटू का बेडरूम और वहाँ पर पूरा खानदान लेके शिफ्ट होने वाली है क्या? और नहीं तो क्या, आधा खानदान थोड़ी ना लेके आएंगे, पूरा खानदान। अरे आप भी तो कुछ बोलिए ना, आप भी बोलेंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। मेरी राय में बिल्कुल सही कहा। ये वाला जो एरिया है ना, इसे हम कट्टू के लिए रख देंगे और जो ये है ना, ये लॉकअप, इसको तोड़ फोड़ के एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना देंगे, है ना? ये खबरदार, मेरे बिल्लू निवास की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो लाशें बिछा दूंगा। हाँ, हमें तो बोला गया था कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। ओ मैडम, ओ क्या क्या चल रहा है ये? हाँ, टीटू का बेडरूम, उसका वॉशरूम, उसका स्विमिंग पूल, हमको समझाएंगे क्या समस्या क्या है ये? हम यहाँ जगह देखने आए और अपने आर्किटेक्ट को साथ में लेके आए ताकि उसे समझा सके कि कौन सी चीज कहाँ पर तोड़ दें। मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, ये हॉल में ना हम लोग सीलिंग तोड़ के एक कांच का सीलिंग फिट करते हैं जो डे में सनलाइट देगा और नाइट में मूनलाइट देगा। क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल सही। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है आप लोग? क्यों, इस जगह के ओनर ने आपको बताया नहीं? नहीं बताया ना, अगर बता दिया होता तो आपके स्वागत की तैयारी करते। पुष्पा जी एक मिनट, क्या नहीं बताया हमें ओनर ने? मेरी, अरे ये जगह हमने पूरे 1,07,00,000 में खरीद लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.